दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है दी ऑल इलेक्ट्रिक XUV 400 EL Pro। तो भैया आज क्या बातचीत होने वाली है, आज बातचीत होगी XUV 400 की और सबसे खास बात बॉस इसमें 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है महिंद्रा और वो डिस्काउंट का सारा चिट्ठा मेरे पास है। अब कस्टमर्स को तो भर भर के समझा जा रहा है लेकिन आप तक ये डाटा पहुंचना चाहिए, क्या आप इस गाड़ी को लेने का अगर प्लान कर रहे थे आप अब लेना पसंद करेंगे, क्योंकि बॉस 3 लाख रुपए का डिस्काउंट का मतलब है कि ये बड़ी सी गाड़ी आपको मिल जाएगी 15 लाख से लेकर 16 लाख रुपए के बजट में। अब ये सारी कहानी इसीलिए हुई है क्योंकि कॉम्पिटिशन भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मा गया है। कॉम्पिटिशन क्यों गर्माया है बॉस, आप जानते हैं MG अपनी विंडसर को ला गई है, क्या प्राइसिंग है, 13.5 लाख रुपए की रेंज में। उसके साथ ही टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन का EV मैक्स अवतार जो कि 45 किलोवाट आवर की लंबी छौड़ी भारी भरकम बैटरी के साथ आया है 14 लाख रुपए से भी कम में। तो वही सारे रोल मॉडल है एक तरीके से इस गाड़ी में भारी भरकम डिस्काउंट के। उसके अलावा इसका एक तरीके से ना अपडेट भी मेरी नज़रों में पेंडिंग है, तो वो सारी कहानी आपको बताते हैं बस क्या इस गाड़ी में खास है अभी भी, क्यों टाटा नेक्सॉन अभी भी इससे पीछे है। पावर परफॉर्मेंस में 147 हॉर्स पावर बनाती है, करीब 310 Nm का टॉर्क है जिसका तोड़ अभी ना टाटा के पास है ना मुझे MG के पास दिखता है। और उसके अलावा जो रेंज और उसकी वैल्यू है ना वो भी रियलिस्टिक है, मतलब 280 से लेके 350 किलोमीटर की रेंज ये बहुत ही आसानी से देती है। समझ लो क्या कहानी है, क्या दिखाऊंगा आपको, पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिखाऊंगा भाई, XUV 700 नहीं है, यहाँ पर आपको सिंगल पेन ग्लास वाली सनरूफ मिलती है। पीछे आप देखेंगे वही डिज़ाइन मिलेगा जो आपने XUV 300 के अंदर देखा था, क्योंकि ये जो सारा प्लेटफॉर्म है ना ये कहाँ सा है, सैंगयोंग की टिवोली से, सैंगयोंग टिवोली बॉस, उसको छोटा करके XUV 300 बनाई जिसमें आप भूख से बड़ा परेशान रहते थे, लेकिन यहाँ पर उसी पूरे साइज़ में ये गाड़ी को 4.2 मीटर में दोबारा वापस ले जाया गया और अच्छा खासा बूट स्पेस, बड़ा भारी भरकम, एक हेक्टर वाली फील आने वाली गाड़ी वो चीज़ है इसके साथ। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से क्या कहानी है। अब आपका मेन जो यहाँ पर ध्यान गया था वो इसकी प्राइसिंग में, वो बताते हैं आपको क्विकली। ये इसका पुरानी बातचीत है जो कि अब बदल के यहाँ पर XUV 400 EL Pro हो गया था। तो इसमें क्या चीज़ें हैं देखो, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। बैटरी का ऑप्शन है देखो 34.5 किलोवाट की, उसके साथ ही बड़ी बैटरी 39.4 किलोवाट जिसको बहुत ही पीछे छोड़ रहा है टाटा मोटर्स अपनी नई नेक्सॉन EV के साथ, जिसमें आपको 45 किलोवाट आर की बैटरी पैक मिलने लग गई है। अब इसमें भी देखो एक और गेम आया है, 7.2 किलोवाट का फास्ट AC चार्जर है, 7.2 किलोवाट का फास्ट AC चार्जर है, यहाँ तक है, लेकिन ये जो बेस मॉडल है इसमें नहीं है। तो इसमें केवल 50,000 रुपये डिस्काउंट है, तो ये ऑन रोड आपको इसका सबसे नीचे वाला मॉडल करीब 16.25 लाख रुपये का पड़ेगा, लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला जो कि लगभग 19.5 लाख रुपये का घूम रहा है ये आपको आ जाएगा 15 से 16 लाख रुपए के रेंज में। तो यही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक चीज़ें बहुत महंगी थी वो अब आपके बजट में आ गई है। तो इस तरीके से तो इसका वेलकम एनिमेशन वो सारी चीज़ें होती है, बहुत ही शानदार इंटीरियर है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार अगर माना जाएगा तो नेक्सॉन और XUV 300 को माना जाता है। XUV 300 को भी एक तरीके से ओवर पावर किया है XUV 400 ने, बाकी XUV 700 की तो क्या ही बातचीत है, मतलब फैमिली अगर महिंद्रा की गाड़ी की आ रही है तो भाई सेफ तो होगी ही। उसके अलावा ये जो रौबदार अपील है, जो एक अल्टीमेट चीज़ है ना, वो है इस गाड़ी के अंदर, जो DNA में स्पोर्टी कैरेक्टर है बॉस बिल्कुल लविंग है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हुई है गाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, यहाँ पर गाड़ी का जो टॉर्क फिगर है वो भी बहुत अच्छा 310 Nm का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन और थोड़े से ना बारीक क्लूज में गाड़ी हल्का सा पीछे रही, जहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा बेहतर कर गया इसके मुकाबले। और उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा इसमें नेगेटिव नहीं है, ना रिलायबिलिटी में कोई ऐसी पॉइंट में इशू है। अब क्योंकि आज ये वीडियो बना रहा हूँ जब गाड़ी भाई डिस्काउंट के नाम पर आपको बेची जा रही है, तो वो थोड़ा सा साइड पार्ट हो जाता है कि इतनी शानदार गाड़ी को 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दे के आपके घर पहुंचाने की प्लानिंग हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए, आपको खुद भाई इस गाड़ी को लेना चाहिए। उसके लिए कंपनियों को भी थोड़ी सी ना प्राइसिंग में ध्यान देनी चाहिए स्टार्टिंग से। 456 किलोमीटर की रेंज तो ये अच्छी खासी यहाँ पर ऑफरिंग कर रहे थे, उसके साथ ही 50 मिनट में ये गाड़ी 0 to 80% चार्ज हो जाती है, जहाँ पर आपको 50 किलोवाट का CCS2 फास्ट चार्जर का सपोर्ट लेना पड़ेगा जो कि DC में काम करता है। बाकी जो 7.2 किलोवाट आपको AC फास्ट चार्जिंग मिलती है वो 0 to 100% चार्ज कर देगा ऐसे केवल 6.5 घंटे के अंदर। और जो पीछे भारी भरकम बूट स्पेस देख रहे थे वो है भाई 368 लीटर्स का। उसके अलावा और कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है कलर ऑप्शन में। ये इसका एवरेस्ट वाइट डुअल टोन आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे नेबुला ब्लू डुअल टोन, एक नेपोली ब्लैक का भी ऑप्शन आता है, गैलेक्सी ग्रे का भी ऑप्शन है, और जो आर्कटिक ब्लू है बॉस वो भी एक अलग सी चीज़ है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि महिंद्रा की ये XUV 400 भाई बहुत सही चीज़ है, लेकिन अब कहानी यहाँ पर बदल रही है महिंद्रा की न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक कार्स के साथ। वहाँ पर जो टेस्टिंग चल रही है जिस लेवल की, उसमें R&D हुई है, जो एक डिज़ाइन लेआउट और थोड़ा सा ना कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन, जहाँ पर आपने B05 को देखा है, B09, मतलब अलग ही लेवल में जा रही बातचीत, तो वहाँ पर पूरा गेम बदल जाएगा। ये जो पूरा सेगमेंट, ये जो पूरी जनरेशन है आपको नहीं देखने को मिलेगी रोड में, अभी तो चलेंगे 1-2-3 साल तक ये, लेकिन फिर भी जो मार्केट आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
आपके पास अगर ये गाड़ी है, आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। और क्या आप इस गाड़ी को अभी लेना पसंद करेंगे जब महिंद्रा इसमें 3 लाख रुपये का डिस्काउंट दे रही है, वो भी ऑन रोड के ऊपर? तो बहुत ही बड़ा गेम चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं किस तरीके से काम करती है। ये सेंटर लॉकिंग के साथ स्टार्टिंग से नहीं था, तो ये आज भी नहीं खुलने वाला है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं रहती है। और यहाँ पर आपको अंदर का पूरा लेआउट समझना है, तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे। ये जो नई डिस्प्ले प्रोफाइल आई है, अच्छी इसकी लगती है। और XUV300 में भी इसी प्रकार का डिज़ाइन, फंक्शन और वो चीज़ें आपको दिखती हुई मिलती है। आगे स्पेस, यहाँ स्पेस सेकंड रो में XUV300 बहुत अच्छा माना जाता है इसमें। बस बूट स्पेस में हल्की कमी थी, उसको भी यहाँ पर इनने सुधार दिया, तो ये यहाँ पर बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है, भारी भरकम लंबा चौड़ा। तो 15 से 16 लाख रुपये के सेगमेंट में आपको टॉप मॉडल वाली मिल जाती है ये XUV400। अब आपके वहाँ क्या ये 3 लाख रुपए का डिस्काउंट आप तक पहुँच पाया, आपने सुना है इसके बारे में, कमेंट करके बताना है। बाकी मिलते हैं प्रेस नए उसके साथ। और इस गाड़ी को लेने का अगर मूड है तो अपने नियरेस्ट महिंद्रा के शोरूम में जाओ, उनसे कहो भाई एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, स्कॉर्पियो है ना, और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें, और इसका एक तरीके से कोटेशन लो आप, कितना डिस्काउंट मिल पा रहा है कमेंट करके मुझे बताइए। उसके अलावा इंडिया में MG ZS EV, वो भी भाई भारी भरकम बम्पर डिस्काउंट के साथ आ रही है। MG की जो बेस्ट सर्विस है, बैटरी एज अ सर्विस, उसकी मदद से गाड़ी और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। तो कंपटीशन बहुत गर्माया हुआ है, जो आज तक पेट्रोल डीजल CNG गाड़ियों में कंपटीशन होता था, अब इलेक्ट्रिक में भी हो रहा है। एक प्राइस वॉर छिड़ चुकी है, जिसमें फ़ायदा कस्टमर का होने वाला है कि कम से कम कीमत में गाड़ी आपके घर पहुँची है। तो बस ये है, मतलब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब नई सी चीज़ नहीं रह गई, अब कंपनियाँ इसमें अपना एक तरीके से ना परचम लहराने के लिए अपनी प्राइसें कम से कम रख रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस दे रही है। अब महिंद्रा की बारी है कि कुछ नया करके दिखाए, बहुत मौके हैं उनके पास, नई नई लाइनअप आ सकती है, नए नए पूरे प्लेटफॉर्म तैयार है, अब इंडिया में लॉन्च करो और बस अपना जलवे दिखाओ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका डिस्काउंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो महिंद्रा के नियरेस्ट शोरूम में जाइए, इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर जो इसका टॉर्क रश है उसको फील करके मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई मज़ा ही आ गया। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर ऐसे नए उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।